जनता है जी, ये जनता तक भी जान गई उनकी हरकतों को कि कितना गलत काम कर रहे हैं वो। ये हमारा फलारी मठ स्थान जो है ये आज का नहीं है, सर्वप्रथम अरकंटक में नर्मदा मंदिर के बाद दो ही स्थान थे, फलारी मठ और रंग महल। और उस मठ के जो महंत थे वो उन्होंने खुद ही अपने जीते जी ही उनको पता चली, उसके बाद भी उन्होंने पार्टी के लालच में उन्होंने षड्यंत्र रचा जो कि शोभनीय नहीं है। और दूसरी बात, वो तो संत का अपमान किए कि माँ नर्मदा यहाँ पर पतित पावनी नर्मदा मैया है, नर्मदा मंदिर को वो दूषित कर रहे हैं। आप उनका स्थान जो देखे होंगे वहाँ पर से आप या कोई भी सरकार प्रशासन बता दे कि पानी के गंदी नाली का पानी कहाँ जाता है, मैं उसे 10 लाख रुपए एक घंटे के अंदर दूंगा जी पंडित, क्योंकि पूरे नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं जी, जी। और जगत गुरु का अपमान किए, अभी ब्राह्मणों को मंदिर के पुजारियों को उन्होंने अब तक प्रयोग किया दरुआ मांस खाना दंड फल कहा जी, जी। तो जिससे काफी असंतुष्टि मच गई, हमने ये असंतुष्टि हमारे भक्तों मची है जी। ये उनका क्रोश है और ये हमारी शांतिपूर्ण रैली है जी। हम माँ नर्मदा को रैली दिखाने दे रहे हैं, विनती करने जा रहे हैं जी, जी। ये रैली का हमारा उद्देश्य है। ये ज्ञापन जो आप दे रहे हैं जी, ये किसके लिए दे रहे हैं? ये ज्ञापन दे रहे हैं हम उसके लक्ष्मण दास के विरोध में दे रहे हैं। नहीं, उनके विरोध में आप दे रहे हैं, सौंप किसको रहे, कौन लेने वाला? देखिए ज्ञापन हमने पहले भी सौंप चुका है जी, और प्रशासन को कंटिन्यू हमारी सूचना जा रही है। आप, मैंने भी सुना है हाँ, काफी समय से आप लोग के ज्ञापन चल रहे हैं, आप लोग प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं की है, नहीं किया है। हमने सूचना भी दिया, ज्ञापन भी सौंपा, ज्ञापन सौंपने के बाद भी आज तक सुनवाई नहीं हुई, जिसके लिए हम एक रैली निकाल रहे हैं कि आगे अगर सुनवाई नहीं होती ये रैली आगे कोई आक्रोश कदम उठाएगी। आज का आंदोलन कहाँ तक? आज का आंदोलन हमारा नर्मदा मैया के चरणों में जाके माँ से विनती करना, सबकी प्रार्थना है कि ये भ्रष्टाचार या अत्याचार जो हो रहा है इसको जल्द ही खत्म करें, पवित्र नगरी बना दिए हैं। आज कोई अधिकारी आया है यहाँ कोई रैली में? कोई ऐसे अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं आया। अमरकंटक थाना, सिर्फ अमरकंटक थाना, अमरकंटक थाना से फुल फोर्स है जी। अभी थाना प्रभारी जी है क्या? हाँ, थाना प्रभारी तो दिख नहीं, मगर होंगे आसपास, होंगे जी। तो अभी आज का मतलब आप लोगों का केवल शांतिपूर्ण हमारी या किसी भी व्यक्ति के लिए, आप शब्द बोलना जी, वो भी एक संत के लिए जी, मतलब एक संत ने जो बोला है जी, केवल वही है ना? हाँ जी, इस बारे में आपका कुछ कहना होगा? इसमें ये लक्ष्मण दास जी का पूर्ण विरोध हो रहा है, क्योंकि लक्ष्मण दास जी ने ब्राह्मणों का अपमान किया है, जगत गुरु हमारे स्वामी मौली सरकार जी का अपमान किया है, क्योंकि वो इतने बड़े संत शंकराचार्य की उपाधि रखते हैं, उनका अपमान करना ये शोभनीय नहीं है जी, जी। और आप ब्राह्मणों को ललकार रहे हैं, ये संत के लिए शोभनीय नहीं है जी, जी। इसलिए ये सब शांत रैली हम लोग निकाल रहे हैं अभी माँ नर्मदा के चरणों में जी, जी। अगर हमारी ये सुनवाई नहीं होगी इसके बाद ये आक्रोश रैली बहुत बड़ी रैली में आप लोग पंडित जी और ऊपर लेवल में क्या इस आंदोलन को लेके जाएंगे? जी हाँ, क्योंकि यहाँ प्रशासन आपका नहीं सुन रहा है। हमारी सुनवाई अभी नहीं हुई, नहीं होती तो हम आगे आगे बहुत ही ये भक्त जो है अपना उग्र कदम उठाएंगे जी, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की साथ में जी, दो लोगों के साथ में जी, क्योंकि ये हमारा पर्सनली आपका तो है नहीं, नहीं आपका तो पर्सनल है नहीं, किसी आपका पर्सनल नहीं है, ये है एक हिंदुत्व और ब्राह्मण के लिए। अभी वर्तमान में उन्होंने सारे हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया जी, तो मेरा ये कहने प्रशासन से पहले वो अपनी जाति बताएं कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, फिर उसके बाद दूसरे पर आरोप लगाएं, सरासर गलत है। पंडित जी एक मिनट बाबा जी, आपका नाम सर? नंद किशोर द्विवेदी जी। आप माई बगिया मंदिर में पुजारी जी? जी मैं माई की बगिया पुजारी। आज आप इस आंदोलन में शामिल हैं? मैं आंदोलन में इसलिए शामिल हूँ क्योंकि ये धर्म प्रतिष्ठित की बात है जी। हमारे पूरे भारतवर्ष को इन्होंने गाली दिया है लक्ष्मण दास जी ने जी। उसी के जल विरोध में हम लोगों ने निकला है महाराज सुनील महाराज जी के सानिध्य में जी। ये धर्म की उल्लंघना कर रहे हैं ये जी। ये खुद में हिंदुत्व होकर के हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो आप ये बात मानते हैं कि हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं जी हाँ। और अगर हमारे खिलाफ कोई भी कुछ अपशब्द बोलता है हम चुप रहेंगे नहीं, हमें खड़े होना चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए, हमें एकत्रित होकर के उनका विरोध करना चाहिए जी। ये धर्म की जय हो है जी। अधर्मियों को यहाँ से भगाना है हम लोगों को। तो आपका क्या नारा है, एक बार नारा आप इसमें लगा के बताइएगा? अमरकंटक बचाना है, लक्ष्मण दास को भगाना है यहाँ से। सब लोग बोलेंगे एक बार, अमरकंटक को भगाना है, अमरकंटक को बचाना है, धर्म की। महंत साध्वी शिवानीपुरी, अमरकंटक, अमरकंटक रंग महल। आज ये जो सब लोग हैं आपके साथ में, जो जो विरोध चल रहा है, तो इन महाराज ने जो कहा वो गलत है ना? लक्ष्मण दास बुद्धिबाई ढोंगी है,